बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, देयर आर सिक्स टाइप्स और 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तेरा टोटल टाइप्स आर 12, बट टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस जस्ट सिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टुडे वी विल डिस्कस जस्ट सिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, द फर्स्ट टाइप इज रॉ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप जो है वो है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग only one row, ऐसी matrix जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक row हो उसे हम row matrix कहते हैं। इसकी examples अगर हम देखें, examples है 1 9, second example 1 5, 7, थर्ड एग्जांपल देखें अगर हम 2 4 9 8। सो तीन टाइप जो है मैट्रिक्स की हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाले में 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और इसमें 4 कॉलम है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है, सब में एक रो। इसका ऑर्डर अगर हम देखें 1/2, 1/3, 1/4, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप इसकी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में हम कहते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल आप देखें तो इसी तरह 1 9, सेकंड एग्जांपल हो सकती है ABC, क्योंकि कोई अननोन भी हो सकता है तो यहाँ पे हमने जनरल लिख दिया ABC। थर्ड एग्जांपल इसकी अगर हम देखें तो 1 5 4 9, तो ये भी हो सकता है। अब इसमें देखें तो रोज इसमें 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2/1 इसका ऑर्डर है। रोज 3 है, कॉलम 1 है 3/1। रोज 4 है, कॉलम 1 है 4/1 इसका ऑर्डर है। तो कॉमन क्या चीज़ है कि सब में कॉलम एक ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर थर्ड एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर वर्ड निकला रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल शेप आपने देखी है कि उसमें साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। ये साइड्स कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कॉलम्स मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन हो सकती है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ रहा होगा कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, इसमें हमेशा या तो रोज ज़्यादा होंगी या तो कॉलम ज़्यादा होंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 1 3
3, 9, 2, 4, 8। इसमें ऑर्डर क्या है इसका, 2/3 का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 1, 5, 4, 6, 7, 8। ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। तो क्लियर, ये दो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही है। इसको देखते हुए हम प्रीवियस एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉलम और रो मैट्रिक्स को। उसमें भी क्या था कि हमेशा रो और कॉलम जो है उसमें डिफरेंस होता था। रो मैट्रिक्स में एक रो होती थी, कॉलम 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते थे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता था और कॉलम से ज़्यादा वो हो सकते थे। तो अगर इस फॉर्म में अगर हमें रो और कॉलम मैट्रिक्स को देखें तो वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंगल रो, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें एक रो होगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहने के बजाय हम उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहने के बजाय कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रो या कॉलम हो जाएं और रो और कॉलम अनइक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रो और कॉलम जो है वो अनइक्वल होंगे और हमेशा रो या कॉलम दो एक से ज़्यादा होंगे। नंबर फोर यहाँ देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की भी हम बात करते हैं, कहते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कॉलम और रोज हों उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी हो जाएगी 2, 4, 6, 8। सेकंड एग्जांपल इसकी हो जाएगी 1, 4, 8, 2, 10, 5, 9, 4, 6। तो इसमें 2/2 और इसका ऑर्डर जो है वो 3/3। तो ऑर्डर जो है वो इक्वल है, यानी रोज और कॉलम जो है वो इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये भी हो सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या है, रो भी वन है और कॉलम भी वन है, ऑर्डर कहेंगे, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है इसकी कॉलम के बाद है, रो मैट्रिक्स के बाद, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर फाइव टाइप जो है वो है नल मैट्रिक्स, या ऐसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं अ मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। यानी हर एंट्री क्या हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है ज़ीरो 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 ज़ीरो, कॉलम फॉर्म में भी हो सकती है, रो फॉर्म में भी, यानी रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन इन सब में एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं तो इनको हम रेक्टेंगल, स्क्वायर या कॉलम और रो कहने के बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है नंबर सिक्स जो है वो है ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कहते हैं अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय, अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल से पहले हम चलते हैं, हम कहते हैं अगर इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए और सबस्क्रिप्ट टी, यानी हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट में टी लिख देंगे। अच्छा, इससे एक और चीज़ याद आई, नल मैट्रिक्स का जो सिंबल है, नल मैट्रिक्स का सिंबल कैपिटल ओ यूज़ होता है, ठीक है, कैपिटल ओ हम यूज़ करते हैं नल मैट्रिक्स के सिंबल के लिए, क्योंकि हमें जैसे पता है कि हर मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से सिंबलाइज करते हैं। जैसे अगर हम किसी मैट्रिक्स को नेम देते हैं तो हम ए बी सी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर में, तो नल मैट्रिक्स के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है कैपिटल ओ। इसी तरह ट्रांसपोज के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल ए, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में हम टी लिखते हैं, या टी जिसको जो कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, उसका सिंबल ए टी होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेट सपोज ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज ए ऑफ टी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इस रो को चेंज करके कॉलम में लिख देंगे 1 2 3, सेकंड रो जो है इसको भी कॉलम बना देंगे 2 1 0, और थर्ड जो रो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 4 -2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, लेट सपोज लेट बी इज अ मैट्रिक्स 1 5 9 4, एक मैट्रिक्स है बी जो के उसकी एंट्रीज जो है वो है 1 5 9 4। अब इसका ट्रांसपोज देना है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इज 1 5 9 4, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताने की है कि अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट सपोज सी मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है 2 5 और 9, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 2 5 9, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम में चेंज हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में, और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो में चेंज हो जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये 6 टाइप्स समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 6 टाइप को डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इन 6 टाइप के साथ। अल्लाह हाफिज़।